जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के 16 प्रखंड से हजारों लोग आए। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रशांत किशोर के स्वागत में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की लंबी कतार दिखी। भागलपुर की धरती पर प्रशांत किशोर का फूलों की माला और ढोल बाजे के साथ जय बिहार नारों के साथ स्वागत किया गया। वहीं नगोच्चिया अनुमंडल के पीके यूथ क्लब के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के इस राज में स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और स्कूलों में डिग्री पढ़ाई दोनों जगहों में से कहीं नहीं हो रही। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चों को कोई भी कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए कि आपके बच्चों का कोई ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग ये बात नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं। आगे प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा, यही खेती करके हरियाणा और पंजाब के लोग राजा हो गए। बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा, यह इसलिए कि समाजवाद की इस जमीन पर 100 में से 60 लोगों के पास बिहार में एक धुर जमीन भी नहीं है। यह आंकड़ा याद रखिए, जहां गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। जिनके पास जमीन है ही नहीं वो खेती करेंगे कैसे? 40 लोग जो बच गए जिनके पास जमीन है, उस 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन है। नहीं जाना पड़ेगा। लालू नीतीश के राज में स्कूल से डिग्री बंट रहा है, कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अंदर बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है, सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में रहने वाले 100 में 7 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जिसके पास जमीन है ही नहीं, खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है। उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य रूप से मकसद है कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, आजादी से अमृत काल तक ग्रामीण विकास की यात्रा पर परिचर्चा। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन BAU सबौर के मुख्य सभागार में हुआ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इस संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे। उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में BAU सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह रहे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर तथा एक्सीलेंट विजन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके संयोजक BAU सबौर के अधिष्ठाता डॉक्टर अजय कुमार साह थे। मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रामाशीष सिंह मौजूद रहे। इस सेमिनार में अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका तथा भारत के वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, विद्यार्थी, प्रगतिशील किसान, उद्यमी मौजूद थे, जिनकी कुल संख्या 500 से अधिक रही। भारत के कुल 10 राज्य एवं 6 कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिभागी इसमें शामिल रहे। इस संगोष्ठी में कुल 5 विश्वविद्यालय के कुलपति एवं NIT दुर्गापुर के निदेशक भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आजादी से अमृतकाल तक की विकास यात्रा पर विवेचन तथा कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु चर्चा की गई। संगोष्ठी में कुल 12 मुख्य बिंदुओं जैसे मानव एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नवाचार, तकनीक द्वारा भविष्य में ग्रामीण विकास की संभावनाएं, जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में ग्रामीण विकास, मोटे अनाज की आर्थिक संभावनाएं जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, जिससे कि अमृत काल के आगामी 25 वर्षों तक की नीतिगत फैसलों के लिए कुछ कारगर एवं प्रासंगिक सुझाव व दिशा निर्देश तय किए गए। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से देश विदेश के वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकों पर ध्यानाकर्षण भी किया गया, जिससे आने वाले समय में BAU को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायता मिलेगी। 2 दिवसीय संगोष्ठी में
पहुंचे बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि गांव को गांव रहने दे, शहर बनाने की कोशिश ना करें। गांव में सारी मूलभूत सुविधा दे लेकिन शहरी परिवेश जन्म ना ले, इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, इस पर सरकार विशेष कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो धरातल पर जल्द उतरेगी। उल्लेख कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आय दुगनी होनी चाहिए। आय दुगनी कैसी हो जाएगी? फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, केमिकल्स का उपयोग करके और अपने जमीन की जो उत्पादन क्षमता है उसको कम करके हमारी आय बढ़ेगी। इस जमीन की अगर हम उत्पादन क्षमता उसका स्तर जब बढ़ाएंगे तब जाकर हमारी आय दुगनी हो सकती है। आई टोटली डोंट बिलीव इन अर्बनाइजेशन ऑफ अवर विलेजेस। हमारे गांव शहर की ओर नहीं जाने चाहिए, उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए। शहर में हम देखते हैं ना क्या अवस्था है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। ऐसे हमारे गांव होने चाहिए। मेरे गांव आज जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, लेकिन वहां सभी सुविधाएं आएंगी, सब प्रकार की समृद्धि आएगी, वहां सब प्रकार की सुबत्ता आएगी, संपत्ति आएगी और गांव में रहने वाला मेरा भाई मेरी बहन खुश रहनी चाहिए। ये अर्बनाइजेशन शहरीकरण नहीं चाहिए हमको। इस दिशा में भी हमको यहां प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब जाकर बढ़ेगी कि मेरा गांव में रहने वाला बंधु वहीं रहकर अपनी उपजीविका करेगा, वहीं जाकर उसकी संपत्ति और समृद्धि मिलेगी। इसका हमको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम बाहर ऐसे ऐसे बातें करेंगे, मुझ जैसा आदमी यहां आकर खड़ा रहेगा, जोर शोर से भाषण करेगा और आप तालियां बजाएंगे, कितना अच्छा भाषण किया इसने। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उसकी सोचते हैं, उसके लिए वो चाहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब अर्बनाइजेशन नहीं है, विकसित भारत का मतलब गांव में रहने वाला हमारा जो भाई है, मेरी जो बहन है, उसका विकास होना चाहिए, शहर के लोगों का नहीं, उसका शहरीकरण नहीं। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज और कल मैं देख रहा था वो उसका शेड्यूल, उसमें बहुत अच्छे लोग आप सबके सामने विषय रखने वाले हैं। मैं इस संगोष्ठी के आयोजकों और प्रतिभागियों एवं विशेष रूप से कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ये दो दिनों की संगोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न हो इसकी कामना भी करता हूं। मैं अपने माननीय राज्यपाल जी का फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार बिहार के विकास के लिए हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिहार के विकास के साथ कृषि क्षेत्र का विकास, किसानों का विकास और किसानों के विकास के लिए उसके विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं, उनके लिए अनुसंधान की व्यवस्था, अभी दो दिन पूर्व ही कैसे मखाना का उत्पादन पूरे राज्य में बढ़े और मखाना के माध्यम से बिहार की ख्याति भी बढ़े और एक्सपोर्ट भी बढ़े और मखाना उत्पादक किसानों का आय भी बढ़े, उस पर भी आपका मार्गदर्शन मिला। अभी दो दिनों के बाद फिर आपके द्वारा बिहार के आमों का प्रदर्शनी लगाया जा रहा है और पूरे देश और दुनिया में किस प्रकार से जो किसान हमारे आम का उत्पादन करते हैं उसकी ख्याति पूरे देश और दुनिया में हो, ताकि उसका भी हम एक्सपोर्ट कर सके, उस व्यापार को भी आगे बढ़ा सके, एक्सपोजर जो बिहार के आम का है वो और लोगों तक पहुंच सके। ये सारा लगातार आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार के विकास में आपके इन सारे प्रयासों का फलाफल आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार सब अपने प्रतिभागियों को, सभी आयोजकों को पुनः अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी काम करते रहेंगे, सरकार के नीति निर्धारण में भी इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो आज संगोष्ठी का विषय रखा गया है। आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय विज्ञान, जय किसान, नमस्कार।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के मंदरोजा खाटू श्याम मंदिर स्थित बुजुर्ग दंपत्ति रंजीत राय के मकान में किराए पर रहते हैं। उस दंपत्ति पर घर के मकान मालिक रंजीत राय व उसकी पत्नी वंदना देवी की तरह हमेशा साजिश के तहत घर से निकालने की बात कही जाती है, जबकि बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि मकान मालिक रंजीत राय ने 6 लाख हम लोगों से उधार लिया है और अब खाली करने को कह रहे हैं। पैसा मांगने पर टाल मटोल किया करते हैं। हम लोगों को डर है कि हमारे मकान मालिक द्वारा हम लोगों के साथ कुछ अनहोनी न कर दे। हालांकि घटना की सूचना पर 112 गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। किरायेदार राजकुमारी देवी ने बताया कि मकान मालिक की पत्नी वंदना देवी एवं उसके पति रंजीत राय घर में घुसकर हम लोगों के साथ जबरदस्ती धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया और घर का सामान बाहर फेंकने की कोशिश करने लगे। इसके बाद 112 गश्ती टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाया। और रोज रोज अपना पति को भेजती थी कि उससे पैसा मांग लो, पैसा मांग लो। वो आधा घंटा सुबह शाम आने लगा, पैसा मांग मांग के वो पैसा 5.5 लाख 6 लाख ले लिया। और लेने के बाद असो बोला था 1 महीना में हम दे देंगे, तो हम बोले कि हमको जरूरी है 1 महीना में पक्का दे दीजिएगा कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, उसका मनी प्लांट कराना है। 24 अप्रैल को वो बोली कि आप है ना मेरा महीना बढ़ा दीजिए 500 रुपया। तो हम बोले 500 रुपया बढ़ा देंगे, हमारा तो अलग ही हिसाब है, आप हमको पैसा दे दीजिए। हाँ, तो वो बोली क्या पैसा नहीं देंगे, पहले आप खाली कीजिएगा तभी पैसा देंगे। वो ऐसा कहीं होता है क्या, इतना बात हो गया। फिर 4 दिन के बाद हम बात करने गए, उसका पति को देखने गए बात करने के लिए, तो हमको बात करने नहीं दी, धक्का दे के निकाल दी। और आज सुबह आके झगड़ा करके गई, हमको धक्का मुक्की कर दी। अब बोली कि पानी बिजली सब बंद कर देंगे, नहीं तो आप घर खाला कीजिए, नहीं तो ताला मार देंगे, सब सामान फेंक देंगे। इंस्पेक्टर उसके सामने बोली है कि पैसा हम इनको उसी सूरत पर देंगे जब ये मकान खाली करेगी। अच्छा, तो हम बोले कि खाली पहले पैसा दे दो फिर हम खाली करेंगे, हमारा हिसाब सारा कर दो। सही बात। तो बोली कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम पहले खाली करवाएंगे, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर बोली कि आप इनको टाइम दे दीजिए, 15 दिन का में कि 17 दिन में। तो हम बोले ऐसे कैसे हम दे दे टाइम, पैसा तो सारा हमको दे दे, वो तो खाली तो हम कहिए देंगे, खाली का क्या बात है।
भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिच्छो बिशनपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि राजेश यादव अपनी मां के साथ राशन दुकान से कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इसी बीच गांव के सूरज कुमार, सुमन कुमार, विष्णु कुमार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर गाली गलौज देना शुरू कर दिया। जब इसका विरोध राजेश यादव एवं उसकी मां ने किया तो सूरज कुमार, सुमन कुमार, विष्णु कुमार तीनों भाई मिलकर मारपीट करने लगे। इस मारपीट के बाद एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए भागलपुर की मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर लोदीपुर थाना की पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। मेरा भतीजी एगो था और मेरा दादी मेरा मम्मी है, ठीक है। वो जा रहा था कंट्रोल, जब गया तो उधर से आया ना, एक घर में अपना साथी में बोल रहा था कुछ, देखो गाली उली दिया मेरा भतीजी। वो गुजर रहा था बगल से वो बोला कि डायरेक्टर क्या कि हम ही को गाली दिया। ये जाको माँ बोला कि आपको गाली नहीं दी, इसको साफ एकदम इसे मारने लगा। वो तीनों बहन मिल के ये मेरा भतीजी को, तो मेरा इसका दादी गया वहाँ पे, तो इसका दादी को बोला कि आप जाइए यहाँ से, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं। तो दादी के बैग जो ठेल दिया है ना, तो उसी में एकदम इसे हाथ टूट गया है। तीनों बहन मिल के एकदम इसे, बूढ़ा आदमी हक सहेगा, तीनों बहन मिल के एकदम झटका दिया, ठेल दिया मच के, उसका हाथ टूट गया। उसी में उसका भाई आया, उसका भाई गाली गलौज किया, तो हम लोग इधर से गए, तो पांच लड़का ले आया था, तो हम लोग को भी मारा। जब हम फिर 1 बजे घटना हुआ। कौन चीज से मारा? हमको एक लड़का का फर्स्ट कुंडा था, पंजा था, उंठी पीना था, पांच लड़का था। नाम जानते हो? हैं, नाम जानते हैं, सूरज है, सुमन है, विष्णु है, नीतीश है, एगो का और क्या नाम है थोड़ा सा मुंह में नहीं आ रहा है। आपस में वो लोग कौन भाई है? हैं क्या लोग कौन है आपस में भाई है? और तीन भाई है, एक भाई अलग है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने थानों में लंबित पड़े मामले को जल्द से जल्द निपटाने और अपराध पर अंकुश लगाने, रात्रि गश्ती में सक्रियता लाने के साथ जिले में अवैध शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक में एसएसपी आनंद कुमार के साथ सीटीएसपी, सीटीडीएसपी सहित भागलपुर उत्पाद विभाग के अधिकारी ने हिस्सा लिया। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत के दौलतपुर गांव के वार्ड नंबर 1 में भीषण गर्मी होने पर पानी का हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी होते ही मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जल नल योजना बंद है और गांव में लगे चापाकल खराब हो गए हैं। दूर कुआं से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पानी नहीं आता है। पानी नहीं आ रहा है? नहीं। तो कैसे, कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? कुइयां है बगल में, तो यहाँ भी साफ नहीं आता है पानी, कुइयां भी साफ नहीं होता है। दूर से पानी लाते हैं? बगल में बोरिंग चलता है। कौन गांव है? दौलतपुर गांव है। पानी तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। जी जी। 4 साल से भीषण गर्मी में कैसे आप लोग प्यास बुझाते हैं? ऐसे बगल में कुआं है, वहाँ से लाता नहीं तो गांव से जाके लाता है पानी। तो इसके लिए लिख के दिया पदाधिकारी को? वहाँ लिख के दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। किसको दिए हैं? वीडियो को दिया है और जिला अधिकारी को दिया है। कौन गाँव है? दौलतपुर वार्ड एक नंबर। और जल नल वाला जो पानी है वो भी नहीं आता? वो पानी नहीं आता, उसमें भी नहीं आता पानी? क्या हुआ उसमें? अब पता नहीं लगता है क्या है नहीं है। कहीं पाइप बिछा दिया है सगरे और पानी नहीं आ रहा। जब से पानी इसमें यहाँ से दिया है पाइप, तब से पानी नहीं आया। जल नल योजना वाला नहीं आ रहा पानी? नहीं, इतना मोटा का पाइप है, एक दिन भी पानी नहीं आया। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार यही है जो ना पहले जो ठेकेदार था वो सोनमा जयराम बाबू का लड़का, वही ठीक लगाया है जल नल। ठेकेदार वही था। तो उसको नहीं कहा है कि पानी नहीं आ रहा है? पानी वो है ही नहीं, तो किसको कहेंगे?
भागलपुर की सुल्तानगंज के पल्लवी रेस्टोरेंट में भारत सरकार के योजना के तहत नमामि गंगे जैविक खेती मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ICCOA के डायरेक्टर जयदीप राय, DCM RS तोमर, मैनेजर तेज सिंह, डिप्टी मैनेजर प्रदीप तोमर, खेरिया पंचायत के उप सरपंच फूलो यादव थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायत के किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताते हुए कम खर्च आमदनी दोगुनी के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही कई किसानों को टी शर्ट एवं टोपी प्रदान की गई। इस दौरान तिलकपुर पंचायत के किसान विजय यादव, विभास यादव सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। हमारे जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के किसान हैं, फार्मर हैं, उनको सबको यहाँ एकत्रित किया गया। जैविक खेती के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए गए, मार्केटिंग की विधि समझाई गई, उनको जैविक विधि से कैसे फसल का प्रबंधन करते हैं, मृदा का कैसे प्रबंधन करते हैं, कीड़े और बीमारी को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये सारी विधियाँ उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझाई गई। और मार्केट लिंकेज से कैसे किसानों को जैविक उत्पाद को बेच के अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन, ये सारी विधियाँ समझाई गई किसानों को कि जीवामृत है, जो जीवित के लिए अमृत है, फसलों में डालते हैं, जिससे यूरिया DAP की जरूरत नहीं होती और वो किसानों को बहुत ही 100-150 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। नीमास्त्र है जिससे कीड़े मारने के लिए, ब्रह्मास्त्र है जिससे किसी प्रकार का कीड़ा कहीं भी होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है, और इसी प्रकार से किसानों को रोगों से मारने के लिए आपका बेस्ट कंपोजर का इनका सबका प्रशिक्षण दिया गया।